आज हम जा रहे हैं ढिंगू माता मंदिर संजौली, जो कि शिमला में है। और ये मंदिर जो है वो संजौली में है, एकदम टॉप पे संजौली के पहाड़ पे, जिसके लिए आप देख सकते हो कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे को जाना पड़ेगा। एप्रोक्स यहाँ जाने के लिए हमें 500 तक सीढ़ियाँ तो होगी जो हमें चलनी पड़ेगी। एकदम चढ़ाई वाला रास्ता है, बट मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मंदिर जाते हुए ये बीच में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे हमारे को चार सड़कें दिखेगी, तो हमें इस पे बस सीधे सीधे ऊपर वाले सड़क पे जाना है। अगर आप कभी आओ तो ज़रूर इस वीडियो को देखना और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। एंड अब हम इस पे चल पड़े हैं, और इसके बाद भी हमें और बहुत सारी सीढ़ियाँ चलनी पड़ी। और इसको चलते चलते हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, तो हम ऐसे ही घूमते घूमते आ गए थे। मैं पहले भी यहाँ पर वैसे एक दो बार गई भी हूँ इस मंदिर के लिए। मंदिर बहुत प्यारा है, माता रानी का मंदिर है। और ये हम जा रहे हैं इतनी सीढ़ियाँ चलने के बाद, प्यास भी बहुत लग गई थी, धूप भी बहुत थी, बट ये जनवरी का महीना है फिर भी। और ये हमें ऊपर मंदिर दिख गया था, मतलब हम मंदिर के अब नज़दीक पहुँचने वाले थे। मंदिर से नीचे के लिए ये एक जगह पे मोनेस्ट्री भी आती है, जो बिल्कुल मंदिर से बस थोड़ा सा ही नीचे है, बहुत ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री है। और एट लास्ट हम यहाँ मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। ये मंदिर की एंट्रेंस के लिए सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़, और इतना प्यारा मंदिर है। तो अब हम इस पे बस चले हैं, और यहाँ पे देखो माता रानी की कितनी सारी चूनर लगी हुई है। और ये मंदिर इतना ब्यूटीफुल है फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए भी। और यहाँ से ये संजौली का थोड़ा सा व्यू दिख रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मंदिर जैसे कि टॉप पे है बिल्कुल, तो यहाँ से बहुत प्यारा प्यारा व्यू दिखाई देता है चारों तरफ के लिए। और यहाँ पे एक दो दुकान भी है मंदिर के साथ ही बिल्कुल, प्रसाद वगैरह लेने के लिए। तो फिर अब हम यहाँ से चले हैं मंदिर की ओर। और ये इस मंदिर में नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं, बट जिस टाइम पे अभी हम आए हैं अभी यहाँ पे लोग कम है, क्योंकि अभी ये वाला टाइम मंदिर के बंद होने का टाइम है, इस मंदिर की टाइमिंग है खुलने की। तो फिर हम भी अभी आए थे तो हम भी नहीं दर्शन कर पाए, हमने थोड़ी देर वेट करा मंदिर में क्योंकि मंदिर थोड़ा बंद था। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मंदिर खुल गया था और हमने दर्शन करे माता रानी के। और सच मानो बहुत प्यारा मंदिर था, बहुत प्यारा। और ये मंदिर के बाहर के लिए जो है ये बैठने की जगह है, जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, बैठते हैं माता रानी के परिसर में, अपनी इच्छाएँ विशेष शांति के लिए बैठते हैं। और आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे शेर बने हुए हैं बाहर, और दो शेर लगे हुए हैं दरवाजे के दोनों तरफ। ये मेन डोर है जहाँ से अंदर के लिए जाते हैं माता रानी के मंदिर में। यहाँ कीर्तन भजन भी होते हैं, और ये चारों तरफ बाहर के लिए खिड़कियाँ खिड़कियाँ हैं जहाँ से आप बाहर का बहुत प्यारा व्यू देख सकते हो। और यहाँ पे ये हवन वगैरह होते हैं, जैसे शादी वगैरह भी होगी तो यहाँ पे होती है। और ये देखो कितने प्यारे से बेंच लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे कितनी प्यारी ग्रीनरी, कितना प्यारा व्यू है। सो गाइज़ आई होप यू इन्जॉय, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।